हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, आप सभी का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से उषा मैथ्स पे। हम लोग पिछली कुछ क्लासों में पूर्ण संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए और कुछ नए क्वेश्चंस भी सीखे हैं और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 में पहुँचते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, भिन्न और दशमलव। लेकिन पूर्ण संख्या में अभी एक टॉपिक और आपके साथ शेयर करना रह गया है, शेषफल निकालना। शेषफल के आपके तीन वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर के एग्जाम लेवल तक जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम टफ क्वेश्चन या जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं या नए क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वहां तक की हम बात करेंगे आपसे। लेकिन उसके पहले आज की इस क्लास में हम लोग ये जानते हैं कि भिन्न और दशमलव वाले चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर के अंदर हमें तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले बात, यहाँ पे अगर हम भिन्नों के विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन जानना है, परिभाषा जानना है। उसके बाद हमें क्या जानना है कि भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। हमें क्या जानना है कि भिन्नें कितनी प्रकार की होती हैं। प्रकार में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास साधारण भिन्न के विषय में जानना है, दूसरा फिर क्या जानना है दशमलव भिन्न के विषय में, तीसरा हमें क्या जानना है सतत भिन्न या वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न के विषय के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। अगर हम साधारण भिन्न की बात करें, साधारण भिन्न में कौन कौन सी भिन्न आएंगी। साधारण भिन्न में सबसे पहले तो एक आएगा आपके पास इकाई भिन्न। साधारण नहीं है ये, सिर्फ साधारण भिन्न है, पूरा लिख लेते इकाई भिन्न, ठीक। दूसरी बात इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरी बात संयुक्त या मिश्रित भिन्न क्या होती, ये सिर्फ आपको जानना है। संयुक्त या मिश्रित भिन्न, ये दोनों बातें एक ही हैं। संयुक्त या मिश्रित भिन्न। तीसरी बात आपको इसमें क्या जानना है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न और क्या जानना है, अनुचित भिन्न, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, एक एक यूनिट समाप्त करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे कि भिन्न क्या होती है, अच्छा दो बातें हैं, एक भिन्न होती है और दूसरा क्या होता है, परिमेय संख्या। एक बात भिन्न होती है, दूसरी बात क्या होती है, परिमेय संख्या। जनरली अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि भिन्न क्या होती है, आप क्या कहते हैं कि वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, भिन्न, है ना। अगर परिमेय संख्या की बात करते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में होती, उन्हें भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जब आप दोनों की डेफिनेशन एक ही बता रहे हैं, भिन्न की भी डेफिनेशन आपके अनुसार एक है, परिमेय संख्या भी आप पी बटे क्यू के रूप में लिखते हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये पहले भी आपके साथ डिस्कस किया गया, अगर आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो वहाँ पे उपलब्ध हैं, जितना भी कंटेंट है किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट कंटेंट है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम भिन्न और परिमेय संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ जिनको पी बटे क्यू के रूप में, ध्यान से सुनेंगे, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, एक बात यह है। दूसरी बात, अगर हम भिन्न के विषय में बात करें कि भिन्न क्या होती है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न का मतलब P बटे क्यू के वे संख्याएं जो P बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। यहां पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, P बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं और P बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो दोनों बातों में अंतर है। जैसे हम आपसे कहें कि 2/3 क्या है, भिन्न है कि परिमेय है, अब भैया 2/3 को 2/3 ही लिखा जाता है, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं, ठीक, किसको लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के विषय में जैसे क्या बात, अगर 2 के विषय में पूछा जाए 2 कैसी संख्या है, भिन्न है कि परिमेय है, तो आप कहेंगे कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन 2/1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान देंगे, इसका मतलब एक रिजल्ट निकल के आता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न है, सही है या गलत है, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न है, सही है या गलत है? तो ये गलत है ना, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, ये आपके पास 100% सही बात है। इसका मतलब भिन्न की डेफिनेशन क्या हो गई? वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद अगर भिन्नों के प्रकार के विषय में बात किया गया, तो भिन्नों के जो बेसिक प्रकार हैं वो साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब आप इसी जो इसकी डेफिनेशन है, किसी भी भिन्न को आप साधारण भिन्न कह सकते हो। 2/3, 4/5, 5/6, 1/2, 3/4, इस तरह की सारी भिन्न साधारण भिन्न है। लेकिन अगर जब उनका हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, तब कौन कौन सी भिन्न आएंगी? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश सदैव एक होता है। जैसे मान लो 1/2 लिखा है, 1/5 लिखा है, तो इस तरह की भिन्नों को क्या कहा जाता है? इकाई भिन्न कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त या मिश्रित भिन्न। संयुक्त या मिश्रित भिन्न, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। जो सही बटे के रूप में, जैसे 2 सही 1/2, या फिर 3 सही 1/4, सही बटे वाली सारी भिन्नों को संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये दोनों आपसे पूछे भी जा सकते हैं, कि चार ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी भिन्न उचित भिन्न और अनुचित भिन्न है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। जैसे उचित भिन्न में क्या लिखा, जैसे मान लेते हैं 2/5 लिखा, आपसे पूछा जाए कैसी भिन्न है, तो हम कह रहे हैं कि ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न की डिफिनेशन क्या होती है? जिस भिन्न में उचित भिन्न वह भिन्न होती है जहाँ पे अंश हर से छोटा हो, जहाँ पर अंश हर से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जहाँ पर अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? जहाँ पर अंश हर से बड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। तो ये बहुत ही बेसिक बातें थीं भिन्न से रिलेटेड, तो इन बातों को आपको सीखना है। छोटी छोटी बातें ही आपके एग्जाम्स में पूछी जा रही, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न, ठीक। अगर हम दशमलव भिन्न के विषय में बात करेंगे, तो दशमलव भिन्न दो तरह की होती है। दो तरह की होती है। पहला तो होता है शांत दशमलव। पहला कौन सा होता है? शांत दशमलव। और दूसरा कौन सा होता है? अशांत दशमलव, ठीक है। जैसे ही नाम से आपको पता चलना होगा, शांत दशमलव ऐसा दशमलव जिसे भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे क्या लिखा, 2/5, तो कितना हो जाएगा? 5 × 20, पूरा पूरा कट गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है? अशांत दशमलव वह दशमलव जब पूरा पूरा भाग देने पर विभाजित ना हो, पूरा पूरा ना कटे, जैसे 3, 3, 3, 3 ये चलता रहता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार। लेकिन अशांत दशमलव के दो भाग होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव। अशांत दशमलव के दो भाग होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा इसका भाग क्या होता है? अशुद्ध आवर्त दशमलव या मिश्रित आवर्त दशमलव। अब देखिए, शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त में अंतर क्या है? दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, या उन्हीं संख्याओं का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जैसे 0.2222, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 बार, या फिर 0.353535, मतलब दशमलव के बाद अगर सभी संख्याओं का रिपीटिशन होता है, बार बार आती हैं, तो उन्हें हम शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं, ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव में दशमलव के बाद वह भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्याओं का रिपीटिशन नहीं होता है, जैसे 0.3, उसके बाद 2, 5, 2, 5, 2, 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.325 के ऊपर बार।
जिन संख्याएं रिपीट होती हैं उन संख्याओं के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये बात थी हमारे पास दशमलव के लिए। दशमलव भिन्न के लिए हमें इतने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इस तरह के सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न भी इसे कहते हैं। जैसे कहीं पे इस तरह के भिन्न, एक प्लस एक बटे दो बटे एक प्लस तीन बटे चार, इस तरह से, इस तरह वाली भिन्नों को क्या कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग और जानते हैं कि चैप्टर में इन चीज़ों के अलावा भी हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक, अगर हम इसके बाद बात करें कि इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो अगर हम भिन्नों के विषय में बात करेंगे तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का गुणा भाग, ठीक, ये आपको आता होगा। सेम चीज़ दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना, दशमलव भिन्नों का गुणा भाग, ये सारी बातें आपको, बेसिक चीज़ें यहाँ पर सारी क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अगर हम भिन्नों से रिलेटेड की बात करें, हमें पढ़ना है कि दशमलव भिन्नों में, ठीक है, दशमलव भिन्नों में या भिन्नों में सबसे पहली चीज़ तो एक तो हमें ये पढ़ना है भिन्नों वाली सीरीज। ठीक है, भिन्नों वाली सीरीज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे 1-1/2 या फिर इस तरह के क्वेश्चन 1-1/3 डैश डैश करके लिखा है 1-1/100, है ना, तो इस तरह के सवाल में क्या आंसर आएगा। ठीक है, या फिर इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, मतलब भिन्नों वाली सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात इसमें आपको क्या पढ़ना है, दूसरी बात आपको मिल सकती है इसमें, एक तो हो गया भिन्नों वाली सीरीज, ठीक है, दूसरी बात भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग मान के चलने आपको आता होगा, दूसरी बात है भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा ज्ञात करना, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा ज्ञात करना। अगर हम भिन्नों के लासा के विषय में बात करें तो भिन्न का लासा क्या होगा, जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही होगी उसी चीज़ का वही बात हम ऊपर वाली चीज़ का निकालते हैं और नीचे वाली चीज़ का दूसरी चीज़, जैसे भिन्नों का लासा है तो अंश का लासा और हर का मासा, भिन्नों का मासा निकालना है तो मासा पूछा जा रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, भिन्नों का लासा और मासा पूछा जाएगा। दूसरी बात, ये मैं दोनों बातों के लिए बता रहा हूँ, भिन्न और दशमलव, है ना, दोनों सीरीज आपको तैयार करना है। उसके बाद भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, ये दोनों बातें पढ़नी है। ठीक है, तीसरी बात हमें क्या पढ़नी है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना, छोटे भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, भिन्नों पर, दशमलव भिन्नों में बीज गणितीय सरसमिकाओं पर आधारित प्रश्न, दशमलव भिन्नों में बीज गणितीय सरसमिकाओं पर बीजगणितीय सर्वसमिकाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक टॉपिक ये पढ़ना है। उसके बाद इसमें एक बात आपको और करना है, बार वाले प्रश्न, बार वाले प्रश्न, वही शुद्ध और अशुद्ध वाले, शुद्ध आवर्त दशमलव और अशुद्ध आवर्त दशमलव के क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बार वाले प्रश्नों का, बार वाले प्रश्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार ही होना चाहिए। और इसमें चौथी एक बात आपको और सीखना है, इबारती प्रश्न, भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न। अब ये कौन कौन से प्रश्न होते हैं भैया, इबारती प्रश्न, इबारती प्रश्न का मतलब क्या हो गया कि जैसे लिखा हुआ है कि एक पेंसिल का 1/2 भाग काला है, शेष भाग पीला है और शेष का 1/2 भाग नीला है, तो
पूरी पेंसिल की लंबाई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको सीखने हैं चैप्टर से रिलेटेड। और बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है जो आपको पूरे में पूरे नंबर लाएगा, और कभी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड गलत नहीं होगा यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद। फिलहाल अभी की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में शाम को ही आपको मिलता हूँ मैं। इस चैप्टर को पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भिन्नों वाली सीरीज़ के क्या क्या क्वेश्चन हैं, भिन्नों के लासा मासा से भिन्नों का आरोही, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, दशमलव भिन्नों में बीजगणित, पूरे कंटेंट एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।